Hey, what's up guys and welcome back with another video. दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ MIUI 11 के कुछ सारे मतलब जितने भी एक लिस्ट निकल के आई है फीचर्स के बारे में अकॉर्डिंग टू द लीक्स एंड रूमर्स. तो उस लिस्ट को हम यहाँ पे कवर करेंगे और जानेंगे कि भैया क्या कुछ जो है MIUI 11 में आने वाला है अकॉर्डिंग टू दैट लिस्ट एंड द रिलीज डेट ऑफ द सेम मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो भाई अगर आप इस चैनल पे नए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उस रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, साथ साथ उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप आगे जाके ऐसी वीडियोस मिस ना करें. अब हम बात कर लेते हैं भाई कि क्या कुछ जो है MIUI 11 में आपको देखने को मिलने वाला है. और यहाँ पे मेरे सामने एक पूरी की पूरी लिस्ट है कि जो फीचर्स जो है MIUI 11 के अंदर आने वाले हैं उन सब के यहाँ पे एक प्रॉपर लिस्ट निकल के आ जाती है और अकॉर्डिंग टू लीक्स एंड रूमर्स है और ज़्यादातर चीज़ें कन्फर्म भी इसमें हैं. और वीडियो के एंड तक अगर आप बने नहीं रहेंगे तो आप इसकी रिलीज डेट मिस कर जाएंगे जो कि आई थिंक ऑफिशियली एक तरह से. तो ठीक है रहना यार. अब बात कर रहे थे भैया कि नोट्स में क्या कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम चल जाते हैं नोट्स के अंदर. तो सबसे पहली चीज़ लिखी हुई है डार्क मोड. अब भाई डार्क मोड अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता दूँ, सेटिंग में जाके अगर हम डिस्प्ले में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक डार्क मोड देखने को मिल जाता है जो आपके फ़ोन की हर जगह को डार्क कर देता है. जैसे आप देख सकते हैं स्टेटस बार हो गया और डायलर वायलर जितनी भी सेटिंग वेटिंग के सब यहाँ पे आपको डार्क मोड में देखने को मिल जाते हैं. अब ये जो डार्क मोड है ये बहुत ही कम डिवाइसेस के अंदर है. तो MIUI 11 के अंदर जो डार्क मोड है ये सारी डिवाइसेस को देखने को मिल जाएगा. जितने भी यहाँ पे डिवाइसेस आपको देखने को मिल जाते हैं जो MIUI 11 सपोर्ट करते हैं उन्हें डार्क मोड भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छी बात है. और साथ ही साथ आपको दो नए ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे डार्क मोड में. पहला है ग्लोबल डार्क मोड एंड सेकंड है शेड्यूल डार्क मोड. अगर आपको नहीं पता है दोनों क्या होता है तो आप जाइए मेरी दूसरी वीडियो चेकआउट कर लीजिए, उसमें मैंने आपको बता रखा कि भाई शेड्यूल डार्क मोड और ग्लोबल डार्क मोड क्या काम करते हैं. तो जाइए एक बार चेकआउट कर लीजिए. और MIUI 11 जो होगा वो एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड होगा. तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ जो आपको देखने को मिल जाती है उसका नाम है ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट मैनेजमेंट. और भाई ये जो ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट मैनेजमेंट है ना ये MIUI 10 के बीटा में आ गया था, ग्लोबल बीटा में जब तक बीटा चल रहा था उसके बाद ये स्टेबल में अभी तक नहीं आया. सो ये जाके MIUI 11 में आएगा. जो स्क्रीनशॉट हम खींचते हैं और यहाँ पे बनाता है और साथ में शेयर और उसका ऑप्शन लिखा आता है एक वो चीज़ आएगी. और गैलरी में आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा जिससे जो स्क्रीनशॉट है ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएंगे. कई बार स्क्रीनशॉट किसी और एल्बम में मूव कर देता है पर वो ऑटोमेटिकली एक अलग से स्क्रीनशॉट एल्बम बन जाएगी, जो फिलहाल फीचर है. बट कुछ होगा यार, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ लाएंगे तब यहाँ पे लिखा हुआ है. और नेक्स्ट जो यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है अबे तेरी, वो लिखा है अनलॉक बाय वॉइस कमांड. अब भाई ये जो फीचर है ये कब से है हमारे Xiaomi के फोन्स में बट वर्क नहीं करता कि हम ओके गूगल बोले और हमारा जो फ़ोन है वो अनलॉक हो जाए. बट अब Xiaomi वाले ऐसा कुछ कर रहे हैं कि भाई ये जो फंक्शन है ना गूगल का या तो गूगल से बनाएंगे या फिर ये ऑटोमेटिकली Xiaomi के MIUI 11 में इंप्लीमेंट करेंगे कि भाई हमारी वॉइस से फ़ोन अनलॉक हो जाए. मतलब हमारी वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा, जैसे फिंगरप्रिंट पैटर्न पासवर्ड होता है उसी टाइप से एक वॉइस रिकॉग्निशन होगी जो एंड्रॉयड बहुत पहले वाले एंड्रॉयड में अवेलेबल था बट बाकी जगह शायद हटा दिया गया. तो यहाँ पे आपको ये फीचर अब देखने को मिल जाएगा Xiaomi के MIUI के अंदर जिसमें आप जो है वॉइस से अपने फ़ोन को अनलॉक कर पाएंगे, जो बहुत ही अच्छी बात है. भाई वॉइस से फ़ोन अनलॉक हो जाएगा तो फिर दूर से बोला है फ़ोन के बच्चे खुल जा तो भाई यार खुल जाएगा, मना नहीं कर सकता फ़ोन है ना. तो भाई ये एक फीचर आपको देखने को मिल जाता है. उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू ऐप ड्रॉअर. भाई ऐप ड्रॉअर तो सबको देखने को मिलेगा MIUI 11 में और मैं तो फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ भाई ऐप ड्रॉअर MIUI का ऑफिशियल बिकॉज हम है कमाल की चीज़. मतलब हाँ जिनको मिल गया भाई एक APK है, इसको आप डाउनलोड कर लो और आपको भी MIUI 11 का ऐप ड्रॉअर अभी से एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा. काफ़ी अच्छी बात है यार, अभी से आप MIUI 11 का ऐप ड्रॉअर एक्सपीरियंस कर सकते हैं. वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आपको ऐप ड्रॉअर कैसे चालू करना है अभी से MIUI 11 का, जाइए देख लीजिए वीडियो को, आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी. तो यार ऐप ड्रॉअर सारे फोन्स में आने वाला है. ठीक है नेक्स्ट है न्यू साउंड इफेक्ट्स. अब जो भी डॉल्बी एटमॉस जिन भी फोन्स के अंदर है ना वहाँ पे आपको न्यू साउंड इफेक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं. मतलब डॉल्बी आपको पता ही होगा क्या होता है डॉल्बी एटमॉस, तो उसके अंदर जो है MIUI के और नए साउंड इफेक्ट्स यहाँ पे आने वाले हैं. जैसे आप इक्वलाइजर में उस साउंड इफेक्ट्स को चेंज करके अपने गाने के एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा कमाल का और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पे बना सकते हैं जिससे आपको कानों को भी बहुत अच्छा लगेगा, काने भी कहेंगे भैया कमाल का था. तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है वो है इम्प्रूव्ड AI फीचर्स और AI फीचर्स. तो भाई पता ही है कि बहुत भर भर के इम्प्रूव होने वाले हैं, सही है. और शायद AI स्मार्ट असिस्टेंट भी आ जाए Xiaomi का, उम्मीद तो है बट पता नहीं भाई Xiaomi उम्मीद से भारी काम करते हैं, जो बोलते हैं वो तो आता ही नहीं है. नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे बैटरी चार्ज स्टेटस ऑन एन इन्फो स्क्रीन. कोई बैटरी चार्ज स्टेशन वो बैटरी चार्ज स्टेटस आएगा इन्फो स्क्रीन के ऊपर, आई थिंक लॉक स्क्रीन के ऊपर, जैसे जब बैटरी चार्ज करते हो तो यहाँ पे स्टेटस बना आता है ना, उसी टाइप का मेरे को लगता है कुछ यहाँ उसमें इम्प्रूवमेंट्स करे जाएंगे.
तो कुछ चेंजेस यहाँ पे करे जाएंगे, तो ये सही है। नेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है यहाँ पे प्राइवेट एल्बम फॉर वीडियोस। अभी फिलहाल अगर हम गैलरी में चल जाएं भैया, तो यहाँ पे अगर हम किसी चीज़ को प्राइवेट करते हैं, मतलब यहाँ से जाके प्राइवेट कहाँ गया भैया, अब मैंने फिलहाल ऑन नहीं कर रखा, तो प्राइवेट करते हो तो ज़्यादा शायद मुझे लगता है उसमें फोटोज़ जो है वो प्राइवेट होती है, वीडियोज़ प्राइवेट नहीं होती है। बट अब यहाँ पे जो है आपको प्राइवेट एल्बम, अगर होती भी होंगी तो अब आपको एक सेपरेट एल्बम मिलेगी जिसमें आप वीडियोज़ को ही प्राइवेट कर सकते हैं, सिर्फ आप उसमें वीडियोज़ ही डाल सकते हैं प्राइवेट बना के, ठीक है ना। नेक्स्ट जो चीज़ आपको देखने को मिल जाती है वो है रिफ्रेश आइकन्स एंड स्मूथर एनिमेशन। तो एनिमेशन और रिफ्रेश आइकन्स के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, नए जो है MIUI 11 के आइकन्स आने वाले हैं जिसको आप अभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अगर वीडियो चाहिए तो बताओ। और एनिमेशन तो भाई मैंने आपको पहले वीडियो बना के दिखाई थी भाई, न्यू एनिमेशन लॉक स्क्रीन में आने वाली है और आपके होम स्क्रीन में आने वाली है, तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एनिमेशन आपको देखने को मिल जाती है और मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी यहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो है नेक्स्ट लोडिंग एनिमेशन। अब लोडिंग एनिमेशन भी यहाँ पे एक नई आने वाली है, मतलब किसी चीज़ आपको अपलोड करते हैं तो उसमें आपको एक नई लोडिंग एनिमेशन देखने को मिलेगी, और बहुत अच्छी बात है यार, लोड करेंगे किसी चीज़ को तो भाई एनिमेशन अच्छी आएगी, काफ़ी अच्छी बात निकल के आ जाती है। और नेक्स्ट जो मेरे का इम्प्रूव्ड एनर्जी सेविंग फंक्शन, लाइक मोनोक्रोम वाला जो फीचर होता है ना ब्लैक एंड व्हाइट वाला, उसको यहाँ पे इम्प्रूव किया जाएगा बैटरी सेविंग मोड के अंदर। पहली बात हमें अल्ट्रा पावर सेविंग मोड देखने को मिलने वाला है MIUI 11 के अंदर, तो उसी चीज़ को यहाँ पे इम्प्रूव किया जाएगा, बिकॉज चाइना बीटा रोम में ऑलरेडी आ गया है तो उस हिसाब से फीचर बताए जा रहे हैं, बट मोनोक्रोम जो आगे जाके इस फीचर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया जाएगा, जो काफ़ी अच्छी बात है। एनर्जी सेविंग फंक्शन को भी यहाँ पे इम्प्रूव करा जाएगा, चाइल्ड मोड को वापस लाया जाएगा भैया, और यहाँ पे इसके कन्फर्म्ड हो गया कि वापस आ रहा है, बिकॉज चाइना बीटा में ना MIUI 10 ही है बट उसमें टेस्टिंग 11 की चल रही है, तो उस हिसाब से जो है ये वापस आने वाला है, सारा जो फंक्शन है MIUI के जो चाइल्ड मोड है वो वापस आ जाएगा, और काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप पेरेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही कमाल की बात है, आप अपने चाइल्ड को मॉनिटर कर सकते हैं भाई वो अपने फ़ोन में क्या करता है, तो आप करना चाहे तो कर सकते हैं भैया, और काफ़ी अच्छी बात है चाइल्ड मोड वापस आ रहा है Xiaomi के MIUI के अंदर, चलो कुछ तो काम कर रहा है Xiaomi। नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाते हैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ऑन लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन लिखना होगा, लॉक गलत लिख दिया, लॉक स्क्रीन। तो भैया लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का बटन देखने को मिलेगा, अगर हम मैं डिफॉल्ट लॉक स्क्रीन यहाँ पे सेट कर लूँ तो भाई मैंने फिलहाल दूसरी लॉक स्क्रीन सेट कर रखी है, तो भैया अगर यहाँ से हम डिफॉल्ट लॉक स्क्रीन सेट कर लें तो यहाँ पे अभी आपको कोई भी इमरजेंसी कंट्रोल का फंक्शन देखने को नहीं मिलता है, मतलब कि अगर आप यहाँ जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नीचे इस साइड आपको देखने को मिलता है, बट आगे जाके जो आपको इसी सेक्शन के अंदर ना आपको ये जो ये आ रहा है ना क्या कहते हैं वॉलपेपर कर्सर, तो इसको हटा के आपको तीन चार फंक्शन दे दिए जाएंगे जिससे जो है आपका एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट वाला जो फंक्शन है वो भी आपको उसी पर्टिकुलर जगह पे पुट कर दिया जाएगा, या आपको ऊपर स्वाइप करके पहले इमरजेंसी फंक्शन में नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिला है स्टीरियो साउंड फॉर गेम वी ब्लूटूथ। तो अगर आप ब्लूटूथ के थ्रू कोई गेम स्ट्रीम करेंगे, मतलब कि आप ब्लूटूथ हेडफोन्स पहन के गेम को प्ले कर रहे हैं या ब्लूटूथ ईयरफोन्स पहन के, नेक बैंड पहन के, ऐसे कुछ भी होता है स्पीकर यूज़ करके, तो आपको एक स्टीरियो साउंड का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है MIUI 11 के अंदर, अगर आप इसको ब्लूटूथ में यूज़ कर रहे हैं तो ये एक चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट ऑफ ऐप परमिशन। हाँ दोस्तों, तो भैया परमिशंस का जो है यहाँ पे एक नया पेज आने वाला है, जैसे कि ये परमिशंस का पेज है तो इसको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, जैसे कि गूगल के एंड्रॉइड क्यू में नहीं हुआ इम्प्रूवमेंट, वही सेम आपको पेज जो है अब आपको MIUI 11 के अंदर भी देखने को मिलने वाला है, जो काफ़ी अच्छी बात है भाई, क्योंकि सही है इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, लगातार चल रही है इम्प्रूवमेंट, तो काफ़ी अच्छी बात है यार, मज़ा आ जाएगा इम्प्रूव कर रहे हैं भाई। जो नेसेसरी है ना पेमेंट वाला पेज वो तो काफ़ी अच्छी बात है, परमिशन वाला पेज नेसेसरी है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एंड 18:9 फोटो क्लिपिंग्स आप कर पाएंगे 18:9 के रेशियो में, एडिटिंग मतलब उसकी, और स्टैंडर्ड सिम फॉर सर्टेन कॉन्टैक्ट्स, स्टैंडर्ड सिम विद डुअल सिम का कुछ फंक्शन है, और इम्प्रूव इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजर डाटा इन हॉटस्पॉट, यूजर इन्फॉर्मेशन को हॉटस्पॉट के अंदर यहाँ पे चेंजेस कर जाएंगे, अगर हम चल जाए सेटिंग्स के अंदर तो यहाँ पे हॉटस्पॉट वाले मेन्यू के अंदर यहाँ पे कुछ चेंजेस करे जाएंगे जो डाटा यूजर डाटा के अंदर होगी। मैनेजर मैसेजेस कैन बी डॉर्मेंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मैसेजेस डॉर्मेंट, भाई समझ नहीं आया मेरे को। और भाई लास्ट एंड फाइनल चीज़ जो है ना वो सबसे खास चीज़ है, जो कि है MIUI एड स्विच टू टर्न ऑफ ऑल द एड्स, यानी कि भैया आपको मुक्ति मिलने वाली है उस बला से जिसको हम कहते हैं Xiaomi की घटिया एड्स। तो भैया इस चीज़ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब आप मुक्ति कैसे मिलेगी, आपको एक ऐसा उपकरण मिलेगा आपके फ़ोन के अंदर जो आपके सारे खतरनाक वस्तु को आपके फ़ोन से मतलब
निकाल के बाहर फेंक देगा, जो काफ़ी अच्छी बात है यार, मज़ा आ जाएगा। अब एक छोटे मोटे स्विच हर ऐप में जाके बंद करते रहो एड्स, उससे अच्छा तो है महाशक्ति यंत्र मिल जाएगा आपको, आप हमारी अपने फ़ोन के ऊपर, मतलब उसको ऑफ़ कर दीजिए और आपके फ़ोन से सारी खतरनाक पदार्थ गायब हो जाएंगे। तो भाई ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे फीचर देखने को मिल जाता है भाई, मैं तो वेट कर रहा हूँ यार इस फंक्शन का, क्योंकि MIUI के एड्स ने परेशान करके रखा हुआ है यार। तो यार बस आज के लिए इतना ही, और यार रिलीज डेट की बात कर ले तो 24 तारीख को Mi Mix 4 के साथ MIUI 11 रिलीज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, बाकी तो चांसेस तो आपको हर चीज़ के मिल जाते हैं ना। उसके बाद यहाँ पे आपको बता दूँ कि MIUI 11 के कुछ फोटोज निकल के आई हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि भाई अपडेट जो है Mi 9 को मिल गया है। अब आई डोंट नो कि वो रियल है या फेक है, बट सुनने में तो आ रहा है भाई रियल है। एक बंदे से बात करी तो उसने कहा था मिल गया है, फिर हट गया अपडेट में, मुझे लगता है गलती से उन्होंने अल्फा स्टेज में दे दिया होगा, फिर बाद में उसको रिमूव कर दिया गया। तो भाई यही कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैंने देनी है आज। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई और सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप इस चैनल पर नए, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि आप आगे जाके ऐसी वीडियोज़ मिस ना करो, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, फैला दो इस वीडियो को ताकि वो भी इस चीज़ का आनंद उठा सके। लाइक शेयर सब्सक्राइब, और यार अगर आपको कोई डाउट है इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, यहाँ पे आ जाओ यार फॉलो कर लो, मज़ा आ जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है, लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। MIUI 11 का लॉन्चर ट्राई करना है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो फिर बस बाय बाय।